जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक कुमार वर्मा, वेल्डिंग प्रशिक्षक आईटीआई के उलारी। स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला चैप्टर है ट्रेड परिचय एवं सुरक्षा और सावधानियां। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे ट्रेड परिचय क्या है हमारा, है ना। वेल्डर ट्रेड हमारा क्या है, हम इसको समझेंगे आज, ठीक है। तो परिचय क्या है अपना, राष्ट्र के विकास में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। किन का अपना, उद्योगों का अपना, है ना। तो उद्योग क्या होते हैं अपना, सभी को पता है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक हम जो भी चीज़ें बनाते हैं वो सब हमारा काम में आता है उद्योग में, ठीक है। तो उद्योगों में किसकी आवश्यकता होती है अपना, मजदूरों की आवश्यकता होती है अपना, है ना। तो मजदूर कहाँ से आते हैं अपना, उद्योगों के लिए जो मजदूर होते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है अपना, आईटीआई प्रोवाइड करती है अपना, ठीक है। एक मजदूर तो अपना कौन सा होता है, आम मजदूर, है ना, जो अपना रोड के पास मजदूरी कर रहा है, गांव में जो मजदूरी करता है अपना, खेतों में मजदूरी करता है, दुकानों में मजदूरी करता है, वो क्या हो गया अपना, आम मजदूर हो गया। लेकिन उद्योगों के लिए जो मजदूर हैं अपना, अब उद्योग कौन कौन से अपने पास, बड़े बड़े उद्योग हैं अपना, है ना, जैसे BHEL है, है ना, आपका रेलवे है, ठीक है, सेल है अपना, ये सब क्या है, उद्योग धंधे हैं अपना, बड़े बड़े उद्योग धंधे अपना। इनके लिए क्या चाहिए अपने को, वर्कर चाहिए। तो वो वर्कर कहाँ से आते हैं अपने, ITI से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने ITI में दो प्रकार की एग्ज़ाम होती है, कौन कौन सी होती है अपना, दो प्रकार, NCVT और SCVT। तो NCVT का मतलब क्या होता है अपना, मैंने भी पढ़ाया था, हाँ जोर से बोलो, और SCVT मतलब वो कितना, ठीक है अपना। तो ये आप लोगों को पता है। तो अभी अपन आगे देखेंगे, इसके बाद अगला अपना क्या है, संस्था में समान अनुशासन। अब क्या आ गया अपना, अनुशासन क्या होता है भाई, अनुशासन मतलब, हाँ, स्वयं पर शासन करना। एग्जाम्पल, जैसे हमें सुबह टाइम से उठना, कितने बजे उठना है, मुझे भाई 8 बजे उठना, कितने बजे उठना है, 8 बजे उठना है, 9 बजे ITI जाना है, तो मैं क्या करूँगा, 8 बजे उठ जाऊँगा अपना, और जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार होकर खाना खा के 8:30 बजे तक मैं रेडी हो गया अपना, 8:30 बजे निकल गया, 9 बजे कहाँ पहुँच गया मैं, ITI। तो ये अपना क्या हो गया, स्वयं पर अनुशासन। और क्या आता है अनुशासन पर, मुझे बताओ, एक तो क्या हो गया, स्वयं पर अनुशासन करना, इसमें कौन कौन से स्वयं पर अनुशासन है बताओ पारस साहू, समय से संस्था में आना, बैठ जाओ, दूसरा बताओ, अपने अनुशासन में रहना, दूसरों के दिए गए निर्देशों को बराबर से, हाँ बैठ जाओ, ठीक है बताओ, हाँ शाबाश, चल बैठ जाओ, मैं बताता हूँ, है ना, बैठ जाओ बैठ जाओ। अनुशासन मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया आपने, स्वयं पर अनुशासन करना है ना, मैंने कोई भी काम करना है तो समय से करना, समझ गए। अब अनुशासन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सभी बच्चे अलग अलग बताना है अपना। एग्जाम्पल, जैसे हमको संस्था पे समय पे आना, क्या हो गया अपना, सबसे पहला अनुशासन। दूसरा अपना क्या हो गया, हमको ड्रेस पहन के संस्था में आना, कैसे आना अपना, संस्था में आना है, अपने गुरुजनों को आदर करना है, अपने किसी भी ट्रेड के गुरु मिले उन्हें क्या करना है, हमको जय हिंद करना है, गुड मॉर्निंग करना, नमस्कार करना, अपना क्या हो गया ये अनुशासन। जब हम ट्रेड में जाते हैं तो मशीनों के बारे में जो आपको सिखलाई दी जाती है कि हमको मशीनों को कैसे चलाना है, हमको सेफ्टी इक्विपमेंट पहन के चलाना है, तो हमको वैसे ही चलाना है कि सेफ्टी इक्विपमेंट पहन के चलाना, बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के नहीं चलाना, नहीं तो क्या होगा, दुर्घटना हो जाएगी अपना। वो भी अनुशासन में आता है, समय से वर्कशॉप में जाना, समय से वर्कशॉप में आना, हर एक काम समय सारणी के हिसाब से करना, ये काम में आता है अनुशासन, है ना। अपने बाल हमेशा छोटे रखना चाहिए तो बाल हमेशा छोटे रखो, नखूनों को बड़े मत करो, नखूनों को समय समय से काटते रहो, ये सब काम में आता है अपना अनुशासन में आता है, ठीक है अपना। तो हमको संस्था में क्या है, समान इन अनुशासनों का पालन करना है, ठीक है अपना। अभी अपना क्या होगा, समान अनुशासन। अब इसके बाद अपन आते हैं संस्था में अपने को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, ठीक है अपना। आपको संस्था क्या क्या सुविधाएं देती है, तो पहली सुविधा आपको क्या देती है, 12 दिन की CL देती है, क्या देती है अपना, 15 दिन का आपको क्या मिलता है, मेडिकल अवकाश मिलता है, ठीक है। वो 15 दिन का आपको मिलता है स्पेशल अवकाश, मान लो कोई स्पेशल आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई, कोई ऐसी बातचीत हो गई, आप किसी कारण से संस्था में नहीं आ सकते हैं, तो आपको ये अवकाश मिलता है। आप सभी की संस्था में 80% कितना है, उपस्थिति होना अनिवार्य है। यदि आपकी 80% उपस्थिति नहीं होगी तो आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, समझ में आ गया, हाँ। तो हमें क्या करना है, हमारी उपस्थिति 80%
रखना है। कभी हमको किसी कारण से मान लो छुट्टी लेना है तो क्या करना है, अपने को आवेदन देना, आवेदन देके प्रॉपर अपनी सीएल छुट्टी लो और अपना छुट्टी लो, बिना सूचना के अनुपस्थित नहीं होना है। यदि आप 10 दिन से ज़्यादा बिना सूचना के संस्था में अनुपस्थित रहते हैं तो क्या होगा, अपना आपका आपके नाम से नोटिस जारी किया जाएगा। क्या किया जाएगा अपना, हाँ, तो अपने को बिना सूचना के 10 दिन से ज़्यादा संस्था में अनुपस्थित नहीं रहना है, ठीक है अपना। ये अपने क्या हो गए, अवकाश। अब अपन वापस आते हैं, है ना। सबसे मैंने अब क्या किया अपना, ये वेल्डर व्यवसाय का उपयोग क्या किया अपना, NTC NAC सर्टिफिकेट क्या होता है, सबसे मेन चीज मेन टॉपिक अपना ये वाला है। अभी हमको पता ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसके पहले नहीं ITI कर लिए, क्या कर लिया अपना, ITI कर लिए, लेकिन ITI करने के बाद जो है वो क्या करते हैं अपना कि उनको NTC और NAC के बारे में मालूम नहीं होता, वो खाली NTC लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं हमको जॉब नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रही अपना जॉब, कहाँ से मिलेगी आपको, है ना। आपको पहले NTC क्या है, इसको बोलते हैं अपन नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। हमने यहाँ पे NCVT या SCVT का कोर्स करा हमने, इससे हमें क्या मिला, NTC NTC SCVT का कोर्स हमने करा तो हमें क्या मिलेगा, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। NCVT का कोर्स करने से क्या मिलेगा अपने को, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये हमको मिल गया, हम घर चले गए अपना। अब कंपनी में भर्तियाँ खुलती है अपना, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, तो वो वहाँ पे लिख देती है NTC भी चाहिए और हमको NAC भी चाहिए, तो वहाँ पे ऑप्शन आते हैं, आपको NTC का नंबर भरना पड़ेगा और NAC का नंबर भरना पड़ेगा। हमने NTC तो कर लिया है लेकिन NAC नहीं करा है। आजकल क्या आप लोग जो मार्कशीट है ऑनलाइन वेरीफाई हो जाती है अपना, है ना। लेकिन यदि हम यदि NAC का सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो हम फॉर्म नहीं भर सकते, हम कॉम्पिटिशन से बाहर होगा। क्या हो गया अपना, क्या गलती करी हमने, हमने NAC नहीं करा, अप्रेंटिसशिप नहीं करा। तो यदि हम ITI करते हैं तो हमको जरूर अप्रेंटिस करना चाहिए, तभी हम बड़े बड़े उद्योगों में नौकरी पा सकते हैं। समझ में आएगी नहीं आया, हाँ, ये मुंह पाड़ रहा है, हाँ, समझ में नहीं आया, नींद आ रही क्या, खड़े हो जाओ एक बार, सारे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, तू बैठा रहना, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, हाँ, बाकी खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, नींद आ गई नहीं बाकी, हाँ चलो ठीक है, समझ में आ गया। NTC और NAC बताओ पारस साहू, NTC क्या होता है, ये देखो मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, है ना, मगर ध्यान कहीं और है अपना, क्या है बाहर क्या देख रहा है अपना। NTC का फुल फॉर्म क्या है, फोन बताएगा, इतने सारे बच्चे देखो बताने को तैयार है, बताओ बेटा, गुड, जोर से बोल, बाजू वाला बैठ जा बेटा, समझ में आ गया, NTC का मतलब क्या होता है, समझ गए ना। ये हमको कैसे मिलता है, जब हम एक साल की ITI में कंप्लीट कर लेते हैं, NCVT के एग्जाम पास कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है यहाँ से, ये मार्कशीट नहीं है, मार्कशीट अलग होता है अपना, मार्कशीट अलग है अपना, मार्कशीट नहीं है सर्टिफिकेट, एक अलग से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वो डिप्लोमा नहीं मिलता अपना को ITI से, डिप्लोमा कहाँ से मिलता है, वो पॉलिटेक्निक करने के बाद मिलता है, ITI से हमको डिप्लोमा नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं डिप्लोमा नहीं मिला सर, डिप्लोमा लेना है, डिप्लोमा अलग चीज़ हो गया, समझ गया ना। हमें क्या मिलता है यहाँ से, NTC सर्टिफिकेट मिलता है, क्या मिलता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, समझ में आ गया। तो सभी को क्या करना है, अच्छी पढ़ाई करना है, अच्छे से पास होना है, वो क्या हासिल करना है अपने को, NTC। जब हमको NTC मिल जाता है फिर हमको क्या करना है, ये कहाँ से मिलेगा हमको, हमें कंपनियों में जाना है, एक साल वहाँ पे काम करना है, उसके बदले में कंपनी हमें कुछ पैसा देती, क्या देती है अपना, अब ये देती है अपना, अभी अभी की डेट में अपन देखें तो 7,000 से लेके 16,000 तक सभी कंपनियाँ अलग अलग देती हैं, क्या करती है अपना, सभी का अलग अलग सैलरी है। जैसे भी आप ISR में जाओगे तो वहाँ पे वो 7,500 दे रहा है, वॉल्वो ISR में जाओगे तो वहाँ पे अपन को कितना दे रहा है, वो 10,500 कितना दे रहा है, अभी का बता रहा हूँ मैं, है ना। और यदि आप LNT में जाते हो तो वो आपको कितना देगा, 16,000 कितना दे रहा है, 1,000 हमको कंपनी में काम करना है, वहाँ फिर वहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक साल काम करने के बाद NAC। जब ये मिल जाएगा तो अभी हम बोलेंगे कि अभी हमने ITI कर ली है, हम कुशल कारीगर बन गए, क्या बन गए हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा ना, हम ITI करके क्या बनते हैं, अर्धकुशल, क्या बनते हैं अपन, अर्धकुशल, क्या बनते हैं अपन, और यहां पे क्या बनते हैं अपन, कुशल। तो हर एक कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, क्या होती है अपना, हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी है कि भाई जैसे रेलवे अपना
वो औरत कुशल भर्ती कर लेती है अपना, बाद में वो खुद कुशल बनाती है, ठीक है। लेकिन कुछ उनपे उनके पास जो अप्रेंटिसशिप करता है उसको वो 20% की छूट देती है अपना, वो उसमें कुशल हो तो आपको वो छूट देगी अपना, यदि आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप करे हो तो। और जैसे बहुत सारी कंपनियां मैंने बताया था, होंडा है या अपना BHL है, सेल है, सेल क्या होता है पता है आपको, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें आते हैं अपने राउरकेला है, अपना भिलाई स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है, जो बड़े बड़े स्टील प्लांट है वो भी भर्ती करते हैं, WCL है, ठीक है, SECL है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ये किसको लेती है, कुशल कारीगर लेती है, क्या लेती है अपना, वो अप्रेंटिसशिप मांगती है अपना भाई। एग्जाम्पल BHEL सबसे एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, क्या ले रही है वो अपना, NEC वालों को लेती है कुशल कारीगर, जब भर्ती निकलती है उनकी अपना, तो जो NTC और NEC धारक है ये वहाँ पर जाके अप्लाई करके अपना नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, यदि वो एग्जाम क्वालिफाइड कर लेते हैं तो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा अप्रेंटिस का महत्व क्या है, नहीं समझ में आया कि नहीं आया, क्या नाम इसका किसको, हाँ बताओ बेटा संदीप, हाँ हाँ गुड, हाँ भूल गए अप्रेंटिसशिप, लगता अप्रेंटिसशिप समझ में नहीं आई, हाँ भाई पारस साहू अप्रेंटिसशिप क्या होती है बताओ, किसी भी कंपनी में एक साल का कोर्स होता है, हाँ हाँ प्रभुनंदन बताओ, NAC का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, जो हम कंपनी में जब हमें काम करते हैं उसके बदले में हमें एक साल की मेहनत जो हमें वहाँ पे सिखाया जाता है उससे हमें NAC प्राप्त होता है, जिससे हम कुशल, ऐसे नहीं होता है, बढ़ जाओ, जैसे अपनी ITM एग्जाम होती है ना, NAC का मतलब क्या, वहाँ पे पढ़ाते भी हैं और आपको ट्रेनिंग भी कराते हैं, क्या करते हैं अपना पढ़ाते भी और ट्रेनिंग भी कराते हैं, मतलब यहाँ पे अपन अर्धकुशल में क्या है, अपन ने वो चीज़ पढ़ी, वर्कशॉप में गए, है ना, जो बेसिक 5 जॉइंट है अपने वेल्डर के, वो जॉइंट अपन ने पढ़े, है ना, बेसिक ट्रेनिंग होती है, मतलब ज़्यादा आपको यहाँ पे काम नहीं कराया जाता है, आधे टाइम क्या करेंगे अपन पढ़ेंगे, आधे टाइम वर्कशॉप में काम करेंगे, तो हमको यहाँ इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं मिलती, बेसिक ट्रेनिंग मिलती है, तो हम क्या पूर्ण कुशल नहीं बन पाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, तो हमको ये मिलता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, आपने वेल्डर से मतलब एक सर्टिफिकेट लिया है, आप बेसिक सेफ्टी जानते हो, थोड़ा बहुत काम करना जानते हो, मतलब नहीं आप अर्धकुशल बने हो, पूर्ण मजदूर नहीं बने हो, आप पूरा काम नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हो, उसी काम को जब हम कंपनी में जाते हैं, जैसे वहाँ पे गैस वेल्डिंग है, तो वहाँ पे नहीं बिल्कुल रियल में वेल्डिंग होती है अपना, जो रियल में काम होता है, रियल जॉब बनते हैं वहाँ पे अपना, वहाँ पे देखते हैं, है ना, एक कारीगर होता है उसके साथ में, हमको रहने का मौका मिलता है, वहाँ पे सीखने का मौका मिलता है, गैस वेल्डिंग, गैस कटिंग प्रॉपर वहाँ पे आपको करने को मिलेगी, वेल्डिंग दबा के वेल्डिंग करने को मिलेगी, मिग वेल्डिंग करने को मिलेगी, टिग वेल्डिंग करने को मिलेगी, सारा काम करने को मिलेगा, तो वहाँ से जब आप एक साल वहाँ ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद फिर आपका जैसे ITM टेस्ट होता है, ऐसा ही आपका वहाँ की या तो नियरेस्ट ITI टेस्ट लेगी, या फिर वो कंपनी है उनके खुद के ट्रेनिंग सेल बने हुए हैं, तो ट्रेनिंग सेल में आपके क्या होंगे, टेस्ट होंगे, क्या होंगे अपना, वो टेस्ट लेगा, वो टेस्ट जब आप पास करोगे तब आपको क्या मिलेगा, NAC क्या मिलेगा, NAC तो वो भी एक सर्टिफिकेट है, जिस तरह NTC होता है वो NAC होता है अपना, ठीक है, तो ये दो सर्टिफिकेट हमको प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, और फिर हम अच्छे से तैयारी करें, एग्ज़ाम क्वालिफाइड करें, तो हमको अच्छी अच्छी नौकरियाँ मिलेंगी अपना, है ना, हम गाना गाते रहते हैं कि यार हमको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रही अपना, हमने ITI करें हमको नौकरी नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही नौकरी, इसीलिए नहीं मिल रही कि आपने अप्रेंटिस नहीं करा, क्या नहीं करा, समझ रहे हो, ITI करो, अप्रेंटिस करो, और फिर तैयारी करो, एग्ज़ाम क्वालिफाइड करो, इतना हार्ड नहीं है कि अपन वेल्डर का एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बहुत सरल है अपना, लेकिन हमको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, अभी से करना पड़ेगा, आज आपकी पहली क्लास है ना, आज से ही हम बिल्कुल चालू कर लें, जैसे भी आपको आ सकता है कि भाई NCVT का फुल फॉर्म बताइए, NTC का फुल फॉर्म बताइए, NAC का फुल फॉर्म बताइए, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे अपना, है ना, तो बिल्कुल अपना समझो इसको अपना, ठीक, कोई डाउट इसके अंदर अभी NTC NAC में, ठीक है, अनुशासन अवकाश सबको पता लग गया, अब अपन आगे चलते हैं, है ना, वेल्डर व्यवसाय का उपयोग और अपन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपने को जॉब मिलेगी, है ना, तो ऑटोमोबाइल उद्योग में पहला क्या अपना, ऑटोमोबाइल क्या होता है भाई, ऑटोमोबाइल इसमें क्या आता है अपना, जैसे अपना आपका ऑटो हो गया, आपकी बाइक हो गई, कार हो गई, बसें हो गई, ट्रक हो गए, ये सब कहाँ बनते हैं अपना, ऑटोमोबाइल उद्योग में, एग्जाम्पल जैसे भी आइसर का अपना नहीं है, MP में पीतमपुर में है अपना, वहाँ पे आइसर की गाड़ियाँ बनती है अपना, उसके बाद वॉल्वो आइसर में आप जाएंगे तो वहाँ पे आइसर के बस बनते हैं, ट्रक बनते हैं, बड़े बड़े बनते हैं, वहाँ पे एक JBM कंपनी है, वहाँ पे जो आपकी सिटी बस नहीं है, सिटी में आपने सिटी बस देखा होगा अपना, वो सिटी बस कहाँ बनती है,
जेबी में कंपनी बनती है, वो भी आपको अप्रेंटिसशिप करवाती है, ठीक है। इसके बाद आप मारुति सुजुकी में जाओगे, कहाँ जाओगे अपना, आज अपने मार्केट में मैक्सिमम जो कारें हैं किसकी, अपना मारुति सुजुकी की है अपना, वो भी अपने को क्या करवाती है, अप्रेंटिसशिप करवाती है। होंडा एक नहीं, वहाँ पर होंडा की बाइक बनती है अपना, वो भी अपने को अप्रेंटिसशिप करवाती है। ऐसी बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियाँ हैं, वो अपने को क्या करवाती है, अप्रेंटिसशिप करवाती है। और खास करके वेल्डर में, तो वेल्डर के बिना तो कोई गाड़ी बनी नहीं सकती ना, बन सकती है क्या अपना, हाँ। तो जहाँ भी हैं ऑटोमोबाइल्स कंपनियाँ हैं वहाँ पर वेल्डर की डिमांड है, ठीक है। लेकिन आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से एनटीसी करोगे, एनएससी करोगे, तो आप लोग को इन कंपनी में जॉब मिल सकती है, अच्छी सैलरी है, अच्छी सुविधाएं हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी अपना क्या बोलते हैं, रोजगार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रेलवे के कारखानों में, अब रेलवे के कारखानों में क्या क्या आता है, जहाँ पर इंजन बनते हैं, डीजल इंजन बनते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन बनते हैं, ठीक है। और अभी और भी अपने फैक्ट्रियाँ डल रही है इंजन बनाने की अपना, अभी हमारा देश क्या करता है, अपने देश के लिए भी बनाता है, विदेशों में भी रेलवे के इंजन सप्लाई करता है। तो यदि आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करोगे, इनका एग्ज़ाम आप क्रैक कर लेते हो, तो आपको यहाँ भी जॉब मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फिर क्या, अपना बर्तन बनाने के कारखानों में, सभी घरों में तो बर्तन होंगे अपना, बर्तन है कि नहीं अपना, बर्तन मांडे, ग्लास हो गया, आपकी प्लेट हो गया, ये सब कहाँ बनते हैं, उद्योगों में बनते हैं अपना, है ना। तो आप यहाँ भी अपनी जॉब पा सकते हैं। अब हम आगे आते हैं फैब्रिकेशन उद्योग में। अब फैब्रिकेशन क्या होता है भाई, मैंने समझाया था ना बीच में, फैब्रिकेशन क्या होता है, कौन बताएगा, चलो तुम बताओ सुभाष। फैब्रिकेशन नहीं पता है, चलो फैब्रिकेशन क्या होता है, अपना लोहे को तोड़ के जोड़ के भिन्न भिन्न आकार देना, लोहे को तोड़ के जोड़ के भिन्न भिन्न आकार देना। एग्जांपल जैसे आप लोग की ये डेस्क बनी है, टेबल बना, कुर्सी बनी है, इसमें मैंने लोहे को काटा, एक आकार दिया, कुर्सी बना ली, है ना। लोहे को काट के हमने क्या बना ली, कुर्सी बना ली, बेंच बना ली, या अपने खिड़कियाँ बना ली, क्या बना ली, दरवाजे बना लिए, समझ में आएगी नहीं आया, फैन टांगने का स्टैंड बना लिया अपन ने, क्या सीढ़ी बना ली, क्या बना लिया अपना। तो जो भी चीज़ लोहे की बनती है वो क्या है, उसको अपन फैब्रिकेशन उद्योग क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, समझ में आ गया। फैब्रिकेशन क्या होता है, लोहे को तोड़ के जोड़ के भिन्न भिन्न आकार देना, समझ में आ गया। और ये कहाँ पे होता है, वेल्डर में, हाँ कौन करता है ये, वेल्डर, वेल्डिंग वर्कशॉप में होता है, वेल्डर करता है अपना, ठीक है। तो आप फैब्रिकेशन उद्योग में काम करके भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं और अपना पैसा कमा सकते हैं। अगला आया हवाई जहाज उद्योग में भी, जो अपने एरोप्लेन बनते हैं वहाँ पे कौन सी वेल्डिंग होती है, अपनी टिक वेल्डिंग होती है ना, टिक वेल्डिंग से अपन क्या बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं। तो वहाँ भी ये काम कौन करता है, वेल्डर करता है, उसकी बॉडी कौन बनाता है, वेल्डर बनाता है। तो यदि आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, तो अपने पास HAL है ना, HAL अपना बेंगलोर में, वहाँ पे क्या होते हैं अपने ये जो फाइटर जहाज हैं, जो भी अपने एरोप्लेन हैं, हेलीकॉप्टर हैं, ये कहाँ पे बनते हैं, अपने HAL में बनते हैं। तो वहाँ भी वेल्डर की आवश्यकता है। तो यदि आप वेल्डिंग में अच्छे से पढ़ाई करोगे, है ना, ITI करोगे, अपना अप्रेंटिस करोगे, उनके एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लोगे, तो आप इस उद्योग में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है अपना, मशीन, जो अपनी मशीनें बनती है ना, वो भी ना लोहे को तोड़ के जोड़ना, फैब्रिकेशन, या मशीनों की बॉडी बनाना, जब उनकी बॉडी बनेगी तो उनमें वेल्डिंग की आवश्यकता पड़ेगी अपना, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। फिर भारी उद्योगों में, भारी उद्योगों में क्या, जहाँ पे बड़े बड़े जनरेटर बनते हैं, बड़ी बड़ी मोटरें बनती हैं, है ना, वो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, बड़े बड़े जो ब्रिज के वो बनते हैं, वहाँ पे भी आप जाके अपना काम कर सकते हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, भारी उद्योगों में। अभी आ गया थे फर्नीचर बनाने के लिए, तो हो ही गया अपना, इसी में फैब्रिकेशन में आ गया है ये, पुल बनाने में, है ना। जब पुल बनता है तो उसका क्या बनता है, खाका बनता है, तो वहाँ पे भी वेल्डिंग की आवश्यकता होती है, तो वहाँ भी वेल्डर चाहिए, ठीक है। भवन निर्माण में, ठीक है, खिड़की, दरवाजे, वेंटिलेटर, बिना वेल्डिंग का काम होगा क्या, कुएं की जाली, है ना, तो ये सब यहाँ भी आपका क्या होगा, अपना वेल्डर की आवश्यकता है, ठीक है। हाँ, क्या अंतरिक्ष रह गया, हाँ मैं तो देखी नहीं, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में क्या, अभी जैसे अभी अपना मंगलयान गया है, चंद्रयान गया है, तो ये जो चंद्रयान मंगलयान बना है अपना, इसकी बॉडी किसने बनाया है, वेल्डर ने बनाया ना अपना, है ना। इसरो हो गया अपना, DRDO हो गया, तो वहाँ भी वेल्डर की बहुत सारी भर्तियाँ खुलती है, लेकिन क्या है, वो टेस्ट लेते हैं, उनमें जो क्वालिफाइड कर लेता है उसको भर्ती कर लेते हैं, तो आप लोग भी क्वालिफाइड कर सकते हो, क्योंकि सबसे अच्छा ट्रेड वेल्डर है अपना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 40 चैप्टर हैं और बहुत आसान है, सिमिलर हैं, मिले जुले हैं, हमको समझना है वेल्डिंग क्या है, ठीक है अपना। तो वेल्डिंग क्या है ये अपन कब समझेंगे, अपना अगला कल की क्लास में अपन वेल्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है, वेल्डिंग क्या है इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे, ठीक। और किसी का क्वेश्चन, सबको समझ पे आ गया,
कल अपना वेल्डिंग का चैप्टर आएगा तब तक वेल्डिंग पढ़ेंगे, आज अपना क्या है यहाँ पर ट्रेड परिचय सुरक्षा एवं सावधानियाँ, समझ में आ गए? हाँ, तो अपन ने देख लिया अपना, अब सुरक्षा एवं सावधानियाँ अनुशासन में मैंने बताया था ना अभी, उसी में अपना सुरक्षा एवं सावधानियाँ क्या है सावधानियाँ भाई अपना? हाँ, अभी अपन उसको देखेंगे सुरक्षा एवं सावधानी, तो अपन नॉर्मली पढ़ सकते हैं। सुरक्षा अपनी कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? पहली कौन सी होती है? स्वयं की सुरक्षा। समझ में आ गया? आपकी स्वयं की सुरक्षा में क्या आता है अपना भाई? स्वयं की सुरक्षा हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल जैसे अभी एक बाइक चलाने वाला अपना क्या है, अब जो बाइक चलाता है वो क्या करता है अपना, क्या पहनता है, क्यों पहनता है भाई? हाँ भाई, जब वो कहीं गिर जाए तो उसका सर टूटने से बच जाए तो क्या होगा? स्वयं की सुरक्षा। ऐसे अपन वेल्डिंग करेंगे तो भाई अपने को हैंड स्क्रीन लगाना है, हैंड ग्लव्स पहनना है, वेल्डिंग के जूते पहनना है ना, किसके लिए अपना, कि मेरे हाथ ना जले, मेरा सर ना जले, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्या होगी स्वयं की सुरक्षा। फिर होगी वर्कशॉप की सुरक्षा, क्या होगी अपना सुरक्षा। अब इसमें क्या आता है वर्कशॉप की सुरक्षा? नॉर्मली कि भाई हमको वर्कशॉप में साफ सफाई रखना चाहिए, यदि हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने बेंच वाइस में काम किया, लोहे की कतरन गिरी तो हमने क्या करा, उन कतरनों को साफ कर दिया भाई, है ना, लोहे के बारीक बारीक टुकड़े गिरे उनको साफ कर दिया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनसे अपने को चोट लग सकती है, बारे अपने पैर में गड़ सकते हैं वो, ठीक है। यदि अपने वर्कशॉप में कोई आयल या ग्रीस गिरा हो, कुछ चिकनाहट हो, तो हम उसको बीच बीच में साफ करते रहना चाहिए अपना वर्कशॉप में। यदि मान लो वर्षा बारिश के मौसम में कोई शीट टूट गई, पानी गिर रहा है, हमको उसको बंद करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, नहीं तो वर्षा में हमने पानी गिरेगा ना अपना, वर्षा पूरी खराब हो जाएगी। तो ये अपनी क्या हो गई है वर्षाप की सुरक्षा, वर्षा में साफ सफाई रखना है, ठीक है, और कुछ भी ऐसा होता तो उसको समय समय से मेंटेनेंस करते रहना है वहाँ पे अपना। ये क्या हो गया अपना वर्षा की सुरक्षा। फिर क्या आती है अपनी मशीनों की सुरक्षा, क्या आती है अपना मशीनों की सुरक्षा। अब मशीनों की सुरक्षा क्या होती है अपना बताओ? हाँ, जैसे अपने पास आयल कूल वेल्डिंग मशीन है तो हमें उसको आयल कूल रखना चाहिए। हाँ, फिर अपनी वाटर कूल मशीनें हैं उनमें अपने को हमेशा कूलेंट का लेवल या पानी का लेवल पूरा रखना चाहिए। हमेशा जो मशीनों के कनेक्शन है अपने, विद्युत कनेक्शन है, उनको हमेशा क्या करना चाहिए अपने को, लूज नहीं रखना चाहिए, हमेशा टाइट रखना चाहिए। जिन मशीनों के बारे में जानकारी ना हो उन मशीनों को नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल हम ग्राइंडर चला रहे हैं तो हमेशा ग्राइंडर को हम क्या करेंगे, सेफ्टी गार्ड लगा के चलाएंगे। ये नहीं ग्राइंडर को अपने ऐसे चला रहे हैं, चेक करना है कि अब जो ग्राइंडर का जो कटिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील है, वो अपना अच्छे से टाइट है, उसके ऊपर सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है, उसके बाद हमको चलाना है। ग्राइंडिंग करते समय हमेशा क्या लगाना है अपने को, गूगल लगाना है। क्या लगाना है? हाँ, कौन से वाला ग्राइंडिंग गूगल लगाना है, वाइट गूगल लगा हमको ग्राइंडिंग करना है। यदि हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा अपना, उसके बारीक बारीक जो कण है अपनी आंखों में आ सकते हैं और हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। तो ये क्या हो गई अपनी सेफ्टी, क्या हो गई अपना सेफ्टी। कितने प्रकार की हो गई, तीन प्रकार की। कौन कौन सी, ठीक है। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट इसके अंदर? अभी तक जो अपन ने पढ़ा है इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो, ठीक है, पूछ सकता है। रेलवे के कारखाने क्या अपना, जहाँ पे नहीं इंजन बनते हैं अपने, रेलों के डब्बे बनते हैं, रेलवे के पुराने डब्बे, पुराने इंजन, इनकी सर्विसिंग होती, क्या होती है अपना, ये होते हैं अपने रेल कारखाने। क्या होते हैं अपना ये, हाँ, अभी अपने देश में दो तीन रेल कारखाने और आने वाले हैं, ठीक है अपना। तो जहाँ पे रेल कारखाने, रेल कोच फैक्ट्री, वहाँ पे वेल्डर तो चाहिए ना, बिना वेल्डर के तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते अपना। तो आप लोगों की बहुत बड़ी भर्ती खुलती है ना, बहुत ज़्यादा भर्ती खुलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना, बहुत नौकरियाँ हैं। आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ट्रेनिंग करो, आपको रेलवे के कारखानों में भी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। खड़े को पूछ, मशीन बनाने का कारखाने, बैठ जाए, अपनी लेथ मशीन बन रही है, अपनी वेल्डिंग मशीन बन रही है, समझ रहे मेरी बात, ये फिर कोई भी मशीनें बन रही है, जैसे तुम्हारा जेसीबी बन रहा है, और कौन सी मशीन के बारे में पूछ रहा था, नाम बता एक दो मशीन के बारे में, सिलाई मशीन बन रही है, कोई सी भी मशीन, जहाँ भी मशीन बन रही है तो उसमें वेल्डिंग की जरूरत तो पड़ेगी, लोहा तो जोड़ना पड़ेगा ना, नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो जहाँ लोहा है वहाँ वेल्डिंग है, जहाँ भी लोहे का काम हो रहा है वहाँ पर वेल्डिंग का काम होगा, तो वेल्डर की आवश्यकता पड़ेगी अपने, है ना, वेल्डर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जैसे आज के मानव जीवन में बिजली के बिना कुछ भी संभव नहीं है,
इलेक्ट्रिशियन की बहुत डिमांड है मार्केट में, इलेक्ट्रिशियन पंखे है ना, अपना कोई भी सामान है, सब बिजली से चलते हैं अपने, है ना। वैसे वेल्डर है अपना, जहाँ पे लोहा है वहाँ पे वेल्डर है, वेल्डिंग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, और कोई समझ में आ गया पारस? हाँ भाई, मेरी तरफ मत देखो, बोर्ड की तरफ देखो। नहीं समझ पे आया, क्लास ख़त्म नहीं हुई है, जब तक आप लोगों को समझ पे नहीं आएगा ये क्लास चलती रहेगी। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। जैसे अपन NTC बताया ना अभी, यहाँ पे अपन ने NCVT अब्लिक ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा भाई आपका वेल्डर का कोर्स है कितने वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है? पक्का ये 2 वर्ष का होता है? आपसे पूछ लेगा भाई कि अपना वेल्डर ट्रेड में एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, कितना चाहिए? ठीक है, NCVT का फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है, ये NTC पूछ लेगा, NSE पूछ लेगा, ठीक है। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, समझ गए सभी लोग? हाँ, और कुछ पूछना तो पूछ लो, छुट्टियों के बारे में पूछ सकता है, आपकी छुट्टी कितनी है, ठीक है, आपका प्रशिक्षण शुल्क कितना है, किसको पता है प्रशिक्षण शुल्क कितना आपका? 4,850। हाँ कितना है? 4,850। परीक्षा शुल्क 500। कौशल मनी 250। अभी का बता रहा हूँ मैं, अभी बुक में देखिए मत बताना कि सर हमारे इतना लिखा, बुक में पुराना लिखा, क्या लिखा है बुक में? तो आपकी योग्यता भी 8वीं पास लिखी, क्या लिखी अपना? 8वीं पास योग्यता अपनी, क्या करंट में भी क्या चल रहा है? 10वीं पास। तो अपने को अभी का मानना, ठीक है, 10वीं पास लिखेंगे ना भाई, बुक को नहीं, अपने को करंट देखना है, जो सत्य देखना, ठीक है, अभी जो है वो लिखेंगे, है ना, कोई पुराना वाला इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? हाँ भाई कोई डाउट? चलो फिर क्लास ख़त्म करें अपन, ठीक है। अभी क्या बताया पूछना? अच्छा खन जुदेंगे माइंस, WCL, SCCL, मैगनीज नहीं, बॉक्साइट की कंपनियाँ बालाघाट में कितनी सारी कंपनी है अपने यहाँ, है ना, बहुत सारी कंपनियाँ है, माइंस बड़ी बड़ी खदानें चलती है वहाँ पे, जब खदानें चलती है तो वहाँ पे नहीं बड़े बड़े ये ट्रक डंपर चलते हैं, मशीनें चलती हैं, जब मशीनें चलती हैं तो उनमें टूट फूट होती है अपना, तो वेल्डिंग काम तो हो गया ना अपना, सारी मशीनें या जो भी उनके सिस्टम बने हुए कैसे बने हुए हैं, वो वेल्डिंग से बने हुए हैं, वो जो है ना माइंस चलेंगे तो वो सब टूटेंगे अपना, और टूटेंगे तो रिपेयर कौन करेगा अपना? वेल्डर करेगा, तो वेल्डर की भर्ती तो होनी ही है अपना, है ना। तुम्हारा ट्रेड ऐसा कि तुम्हारे बिना कुछ भी काम संभव नहीं है, मैंने क्या बोला, जहाँ पे लोहा है वहाँ पे वेल्डर है, समझ गए, और इसके बहुत सारे फायदे अपने ट्रेड के। अपना ट्रेड क्या है, 1 साल का है, कम पढ़ना पड़ता है, इतना हार्ड नहीं है, यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया आप आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकते हो, ठीक है। नौकरी पाने का सबसे आसान सस्ता जरिया कौन से वाला है? वेल्डर ट्रेड है अपना, कौन सा है? हाँ, तो आप लोग बिल्कुल मन लगा के अच्छे से पढ़ो इस साल अपना, है ना, मैं भी आपके साथ हूँ बिल्कुल, जो भी मुझे आएगा पढ़ाऊँगा, और नहीं आपको समझ पे आता तो बिल्कुल अपने को क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। और इन्हीं सबको देखते हुए अपन ने क्या एक कोशिश करी है कि भाई अपन मोबाइल से अपना वीडियो रिकॉर्ड करें और डालें, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि यार मैं बिल्कुल अब डर जाऊँ कि यार भाई रिकॉर्डिंग कर दूँगा तो पता नहीं क्या होगा, मैं फंस जाऊँगा, और है ना इसमें कौन सी फंसने वाली बात है, अभी मैं बना रहा हूँ, इसके बाद आप लोग से भी वीडियो बनवाऊँगा, किससे अपना, सारे बच्चे हर एक टूल्स का नहीं, इसके बाद में जैसे भाई टूल्स आने वाले हैं अपने, हर एक टूल्स की एक एक प्रिपरेशन करेगा और अपना एक वीडियो बनाएगा, ठीक है, बना लोगे? अब मैं बना रहा हूँ, देख लो अपना है, बने थे, हाँ चलो देखते हैं ना, इस बार पिछली बार से आप लोग के अच्छे बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, कुछ नहीं होता अपना, है ना, जो अपने क्या हो गए थे बेटा, अब इसके सामने जब कोई आता वो घबरा जाता, क्या होता अपना, अभी जब मैंने वीडियो चालू किया था मेरी स्पीड भी तेज थी, क्या है अब धीरे धीरे क्या होगी अपना, स्लो हो गया ना, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सब बन जाएगा, उसके आप लोग के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं अपन, आप लोग के लिए, है ना। अभी आप लोग कहीं एग्ज़ाम देने जाएगा, बाहर जाओगे अपना, तो अपन एग्ज़ाम कैसे देंगे अपना, है ना, अपने पास बुक लेके जाते नहीं है, कुछ लेके जाते नहीं है, अपने को वहाँ पढ़ना है, लेकिन मोबाइल सभी के पास में होता है, तो ये अपना चैनल है, विश्वसनीय चैनल है, इसमें हम जो भी डालते हैं बिल्कुल नहीं है, सोच समझ के बिल्कुल क्वेश्चन आंसर ढूंढ के डालते हैं,
जैसे आपको आप लोग के लिए आपको पता है कि इसमें अपना एक कम्युनिटी सेक्शन कह सकते हैं अपना कम्युनिटी में अपने क्वेश्चन डालें कि क्या डालें अपने question. तो अभी तक अपन ने 4-450 क्वेश्चन डाल दिए हैं और अभी अपन जो पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन भी अपन तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी अपना. अपने को जो भी पुराने क्वेश्चन पेपर मिलते हैं पुराने बच्चे मिलते हैं वो पेपर देखे आते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे कौन कौन से नहीं आए थे वो जो भी मिलेंगे अपन क्या करेंगे अपने चैनल में डालते रहेंगे. ठीक है अपना, ताकि आप लोग की तैयारी अच्छे से हो सके. ठीक है, और भी अपन क्या क्या कर सकते हैं अपन डिस्कस करेंगे आपस में और अपन कैसे कैसे पढ़ सकते हैं वो सब प्रयास अपने यहाँ पे करेंगे. ठीक है, अपना कोई ये प्राइवेट चैनल नहीं है, ये अपना नहीं सिर्फ अपनी क्लास के लिए. किसके लिए अपना ये क्लास के लिए. अभी बहुत सारे बच्चे आज नहीं आए हैं अपना, है ना, उनकी क्लास मिसिंग हो गई, आज सर ने कहा पढ़ा दिया, तो इसमें जाके देख सकते हैं और अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं ना, वो पढ़ाई उस यहाँ पे उनको मिल जाएगी. तो अपन एक प्रयास कर रहे हैं, अभी अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, अब जैसे भी होगा ठीक है देखा जाएगा, है ना. ठीक है, समझ गए सभी लोग, सब लोग खुश हैं. चलो ठीक है, फिर एक बार क्या बोलेंगे अपन, जय हिंद सर, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसके बाद फिर अपन क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास अपन कल करें. खड़े हो जाओ, शाबाश, बैठ.